अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आम श्रीमद् भगवत गीता सम्बन्धे श्रवण करुथिले। श्रीमद् भगवत गीतार तात्पर्य प्रतिपाद्य वस्तु कौन, श्रीमद् भगवत गीतार वक्ता किए साक्षात भगवान श्रीकृष्ण। आज आम आलोचना करिबा श्रीमद् भगवत गीतार पाठक किए। श्रीमद् भगवत गीता जो कि प्रसिद्ध गीत उपनिषद, भगवान को प्राप्त करिया पाई जिते भी उपनिषद अछि श्रीमद् भगवत गीता तन मध्यरे सर्वश्रेष्ठ। यदि भगवत गीतार पाठक बा श्रोता उनकर विवेचन करा जाए ते दुई प्रकार पाठक विद्यमान अछन्ति। गोटे श्रेणीर पाठक जो माने कि स्थूलदर्शी आउ अन्य विभाग ले सूक्ष्मदर्शी। जने स्थूलदर्शी पाठक स्थूल माने बाह्य, सेमानकर सिद्धांत कौन, सेमाने केवल बाह्य जिनिषकु भी देखन्ति, से भगवत गीतार से बाहरी अंश केवल देखन्ति। जेपरी कि जने जदि मोहू को आस्वादन करिया को चाहे बोतल भीतर मोहू अछि, केवल बाहर को चाटले तो मोहूटा आस्वादन करा जीवो नहीं, बोतल को खोली ठिपी खोली त भीतर थिया मोहू को आनी ही आस्वादन करिया को हुए। ए जो स्थूलदर्शी पाठक गण केवल बाह्य रूप रे ही ताकु ग्रहण करिथांती, सेमाने कर विचार होची जे भगवत गीता श्रवण कला परे अर्जुन कौन करिथिले ना, अर्जुन युद्ध कले अर्थात से कर्म कले। तो संपूर्ण रूप से भगवत गीता को पूर्ण रूप से श्रवण कला परे से यदि युद्ध करिया को निश्चय कले बा निजर कर्म कले तले कर्म ही भगवत गीतार प्रतिपाद्य वस्तु। भगवान एक पई कहिसिंदी भगवत गीता जे जन भगवत श्रवण करी केवल कर्म ही करिवो, किंतु ए जो स्थूलदर्शी पाठक श्रेष्ठ नुहंती, केवल बाह्य ज्ञान द्वारा बाह्य विचार द्वारा से भगवत गीतार प्रतिपाद्य वस्तु को निर्णय कले। किंतु एकुटो और श्रेष्ठ हेले जे सूक्ष्मदर्शी पाठक, से बाह्य अर्थरे संतुष्ट न होइ भगवत गीतार गभीर तात्विक अर्थ को सेमान अन्वेषण करंती। तो सेमानकर कंक्लूजन कौन, सेमानकर सिद्धांत कौन हुए, आइदर ब्रह्म ज्ञान, किछि किछि सूक्ष्मदर्शी पाठक ब्रह्म ज्ञान को ही सिद्धांत कहंती, आउ किछि तांकोटो उन्नत जोकि पराभक्ति भगवान के प्रति पराभक्ति किमिति जाजन करा जीव ताकु ही भगवत गीतार तात्पर्य रूप रे ग्रहण करंती। तो सेई भली पाठक ले श्रेष्ठ। जो माने सूक्ष्मदर्शी पाठक सेमान कर बीच में वास्तविक पाठक भगवत गीतार बा वास्तविक श्रोता, सेमान को विचार रे अर्जुन युद्ध को अंगीकार कले, भगवत गीता को संपूर्ण रूपे श्रवण कला परे युद्ध करिया को आग्रही हेले बा युद्ध करिया को निश्चय कले, किंतु अर्जुन के बळी भगवान कर परम भक्तंकर युद्ध को अंगीकार करिबा
ଏଇଟା କେବଳ ଜଗତକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ନା ଅଧିକାର ନିଷ୍ଠାର ଉଦାହରଣ ଦେଲସି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ନିଜର ଅଧିକାର ଅନୁସାରେ କର୍ମ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ରଖିବା ଉଚିତ, ତାର ଅଧିକାର ନିଷ୍ଠା। ସେ ଭଗବତ ଗୀତାର ଚରମ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ସେଟା ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ, ସେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ସେ ଦିଅନ୍ତି, ଭଗବାନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ନା ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ତାର କର୍ମ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁଭଳି ସ୍ୱଭାବ, ଯେଉଁ ଗୁଣରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ରାଜସିକ, ତାମସିକ, ସାତ୍ତ୍ୱିକ, ତାର କର୍ମ ଅଧିକାର ସେଭଳି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏଇ କର୍ମ ଅଧିକାରକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ନିର୍ବାହ କରିବା ଉଚିତ, ନିଜ ନିଜର କର୍ମ ଅଧିକାର ଅନୁସାରେ। କାହିଁକି ଜୀବନଯାତ୍ରା ନିର୍ବାହ କରିବା ଉଚିତ? କାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା ନିର୍ବାହ ନ କଲେ ସେ କେବେ ହେଲେ ତତ୍ତ୍ୱ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବା ତତ୍ତ୍ୱ ଦର୍ଶନକୁ ସେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସେ କର୍ମ ଅଧିକାରକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବ ଏବଂ ଶେଷରେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ନ କରିପାରେ ତତ୍ତ୍ୱ ଦର୍ଶନ କେବେ ହେଲେ ତା ପାଇଁ ସୁଲଭ ହେବ ନାହିଁ ବା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବନି ସହଜରେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରଥମେ ଶରୀରକୁ ତ ସେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ, ଶରୀରକୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ରକ୍ଷା କରିବ, ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ରକ୍ଷା କରି ତାପରେ ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମରେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଉଚିତ ଯେଉଁ ସତ୍କର୍ମକୁ ସେ ଆଶ୍ରୟ କରି ନିଜର କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ବା ସତ୍କର୍ମକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଯଥୋଚିତ କର୍ମକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ସତ୍କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ କର୍ମ ବି, ଯେଉଁ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କଥା କୁହାଗଲା, ଯତ୍ କରୋଷି ଯତ୍ ଅଶ୍ନାସି ଯତ୍ ଜୁହସି ଦଦାସି ଯତ୍ ଯତ୍ ତପସ୍ୟସି କୌନ୍ତେୟ ତତ୍ କୃଷ୍ୱ ମଦର୍ପଣମ୍। ଯାହା ବି କିଛି କର୍ମ କରୁଛ, ଯେଉଁ ବି ତପସ୍ୟା କରୁଛ, ଯେଉଁ ବି କର୍ମ କରୁଛ, ସବୁ ମୋତେ ନିବେଦନ କର, ମୋତେ ଅର୍ପଣ କର। ଏଇ ଯେଉଁ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କଥା ଭଗବାନ କହିଲେ, ଇଏ ସତ୍କର୍ମର ଅନ୍ତର୍ଗତ, ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେଉଁ ସତ୍କର୍ମ, ତାକୁ ସିଏ ଯଦି ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରେ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଉନ୍ନତି, କ୍ରମୋନ୍ନତି ହେବ, ଚେତନାର ବିକାଶ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ତରେ ପରିଶେଷରେ କ'ଣ ଲାଭ କରିବ ନା ଭଗବତ ଭକ୍ତି ଲାଭ କରିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହେବ, ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଆଉ ଅନ୍ତରେ ଭଗବତ ଭକ୍ତି ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଭଗବତ ଗୀତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏହିଭଳି ରହିଛି ବା ଭଗବତ ଗୀତା ଆମକୁ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବତ ଗୀତାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦର୍ଶନ ବିଚାର। କିନ୍ତୁ ଗୀତାର ଯେଉଁମାନେ ପାଠକ ବା ଗୀତା ଶାସ୍ତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ପାଠକ, ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୋତା, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ, ପରମ ସତ୍ୟ। କ'ଣ ହେଉଛି ପରମ ସତ୍ୟ ଭଗବତ ଗୀତାର? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ପରମ ସତ୍ୟ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପରମ ସତ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଯେତିକି ଉପଦେଶ, ଏ ସବୁ ଉପଦେଶକୁ ଯଥାଯଥ ରୂପରେ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ମୌଳିକ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଗବତ ଗୀତାର ବାସ୍ତବିକ ଯେଉଁମାନେ ପାଠକ, ସୂକ୍ଷ୍ମଦର୍ଶୀ ପାଠକ, ସେ ଏଇଟା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ପରମ ସତ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଯେତିକି ଉପଦେଶ ଏସବୁ ପରମ ସତ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବତ ଗୀତା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତି ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ, ନହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପରମ ସତ୍ୟ ରୂପରେ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେ, ଯେ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କର ଉପଦେଶ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେଇ କଥା ଭଗବାନ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ସ୍ୱୟଂ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି। ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ 3 ଶ୍ଳୋକରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଭକ୍ତୋଷି ମେ ସଖା ଚେତି ରହସ୍ୟମ ହେତଦ୍ ଉତ୍ତମମ୍। ମୁଁ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ରହସ୍ୟ କଥା ତୁ ପ୍ରକାଶ କଲି ତମକୁ, କାହିଁକି ନା ତମେ ମୋର ଐକାନ୍ତିକ ଭକ୍ତ, ତମର ପ୍ରିୟ ସଖା ଆଉ ତମେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶିଷ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ
तुमको मुझे रहस्य कथा परम सत्य रहस्य प्रकाश कली। बिना भक्त हुई जन यदि भक्त न हुए भगवत गीतार जो गंभीर तत्व बुझीबा असंभव। केवल बाह्य विचार ही सिना से ग्रहण करि पारिबो, तार गंभीर तत्व विचार कर ग्रहण करि पारिबो नाही बा बुझी पारिबो नाही, ता भीतर प्रवेश करि पारिबो नाही। तेणु भक्त हवा अत्यंत आवश्यक। बिना भक्ति रे ए तत्व अनुभव केवल हवनी। बिना भक्ति रे भगवत गीतार वास्तविक प्रतिपाद्य वस्तु केवल अनुभव हवनी। आउ समग्र भगवत गीता रे आदि मध्य अंत सर्वत्र एक कथा कहुची जे भक्ति बिना भगवत गीता तात्पर्य अनुभव हवनी। तेणु भगवत गीतार जो वास्तविक पाठक से मान समस्ते भगवान कर भक्त। भगवान से कथा कहते 11:54 नंबर श्लोक रे भगवान कहते भक्त्या तुनन्नया शक्य अहम एव विधर्जुन। जे भक्ति द्वारा ही तमे मोर वास्तविक स्वरूप को दर्शन करि परिवो। इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन। हे अर्जुन 18:67 नंबर श्लोक रे कहते हे अर्जुन इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन। ये जो तत्व ज्ञान तमे अनुभव कल मु तुम जो तत्व ज्ञान उपदेश देली एकु केवले अभक्तों को कहिबो नाही, केवल भक्तों को ही ये उपदेश दब। भक्त बिना अन्य कहा को ये उपदेश दबनी। ये जना पड़ुछे भगवत गीतार वास्तविक पाठक केवल भक्त, वास्तविक श्रोता जे कि भगवान का निर्देशित शुद्ध भक्त आनुगत्य जो मैंने पाठ करुछन्ति बा श्रवण करुछन्ति श्रोता बा पाठक से मैंने भगवान भक्त होता आवश्यक। तात्विक अर्थ केवले ग्रहण करिपारिबे नाही, तत्व मध्य प्रवेश करिपारिबे नाही। ए भगवत गीतार जो मैंने स्वाध्याय करुछन्ति अध्ययन करुछन्ति बा साधना करुछन्ति भगवत गीता को भगवान प्राप्त करिबा पाई तीन प्रकार साधक भगवत गीता रे वर्णित अच्छा। जन हेले ज्ञानी, आउ जन हेले जोगी, आउ जन हेले भक्त। किंतु भगवान जो साधकों के विषय रे कहिसेंती भगवत गीता रे जो ज्ञानी ये केवली ज्ञानी ये कौनसी निराकार भगवान को निराकार रूप जमान ग्रहण करुछेंती से ज्ञानी नुह, निर्विशेषवादी नुह, निशक्ति के भगवान कर शक्ति को जे स्वीकार करूनांती से भली ज्ञानी भी नुह। जो माने अव्यक्तवादी भगवान कर व्यक्त रूप को पुरुष रूप को ग्रहण करूनांती ए ज्ञानी भी नुह, भगवान तांको विषय कहूनांती। बा जो माने मायावादी भगवान कर दिव्य रूप को माया कल्पित बोली ग्रहण करुछंती ए भली ज्ञानी भी नुहे। को ज्ञानी विषय रे भगवान कहउछंती, जो ज्ञानी साधकों के विषय रे भगवान भगवत गीता रे कहिसेंती से को ज्ञानी ना बहु नाम जन्म नाम अंत ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। जो कथा भगवान कहुछन्ति भगवत गीता रे 7:19 नंबर श्लोक रे को ज्ञानी ना जे कि शरणागत प्रपद्यन्ते कथा कहुछन्ति। शरणागत हितु से ज्ञानी अनन्य भक्ति युक्त ज्ञानी, ई कोई शुष्क ज्ञानी निराकार निर्विशेषवाद ज्ञानी नुह, एभली ज्ञानी साधक विषय रे भगवान कहुछन्ति। पुनश्च कहुछन्ति जोगी को प्रकार जोगी के विषय कहते से भी निराकार निर्विशेषवादी जोगी नुह। जोगी नाम भी सर्वेशा मदगत अंतरात्मना 6:47 नंबर श्लोक रे भगवान कहते ते सर्वश्रेष्ठ जोगी किए। जोगी नाम भी सर्वेशा मदगत अंतरात्मना भगवान सहित अंतरात्म पूर्ण रूप से युक्त हे। श्रद्धावान भजते जो मम समय युक्त तम मता, श्रद्धा सहित भगवान कर भजन करुछंती भगवान सहित युक्त हिचंती एही जोगी के विषय भगवान कहउछंती। अर्थात से भक्ति भक्ति युक्त ऐकांतिक भक्ति युक्त जोगी के विषय भगवान कहउछंती। तेणु आउ बाकी रहले भक्ति साधक तब से भगवान सर्वत्र कहिसेंती। ये कहिबार तात्पर्य जो भगवत गीतार वास्तविक जो माने पाठक
भगवत गीता को जो मैंने अध्ययन करुछंती बा भगवत गीता को जो मैंने अन्वेषण करुछंती भगवत गीतार प्रतिपाद्य वस्तु को तत्व रे बुझिबा को चाहूछंती सेमानों को गोटिए उपाय अवलंबन करिबा को पड़िबो। कोटा से उपाय तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिन। ए भगवत गीतार तत्व को पूर्ण रूप से दर्शन करिसंती भगवान कर परम भक्त शुद्ध भक्त तांकर चरण रे प्रपन्न ही तांकर सेवा करी तांकु तत्व जिज्ञासा करी तेबे जाई तांकर कृपारु ए भगवत गीतार तत्व ज्ञान प्राप्त हब। अन्य कौनसी उपाय रे ए तत्व ज्ञान प्राप्त हब नहीं। सेतिपाई भगवत गीतार वास्तविक पाठक आमे किमिति हवा बर्तन आमे श्रवण कले एटा गुरुजी द्वारा अमर गुरु महाराज अन्य रूपानुग गौड़ी गुरुवर्ग मैंने ये विचार दे भगवत गीता को किमिति पाठ करिया दरकार जे भगवत गीता पाठ करिया को चाहूँच तेरे ये बड़े जन तत्वदर्शी गुरु पाख को जाओ ये बड़े शुद्ध वैष्णव पाख को जाओ जाओ भागवत पढ़ वैष्णव स्थाने जो कथा कहगला सेमती श्री भगवत गीता को मध्य यदि तुम्हें पढ़ाक चाहूँ तार पाठ कहक चाहूँ यही शुद्ध वैष्णव पाक जाओ तत्वदर्शी साधु पाक जाओ सी कृपा करी तांकर सेवा कर शरणागत हो तांकर एवं तत्व जिज्ञासा कर सी कृपा करी उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानीन तत्वदर्शिन सी तुमको कृपा करी से तत्व ज्ञान उपदेश देवे तुम कृपा शक्ति संचार करिवे ते भगवत गीतार वास्तव सूक्ष्म दर्शन हब तत्व दर्शन हब एवं भगवान कर पूर्ण भगवत्ता अनुभव हब एवं भक्ति ही प्राप्त हब भक्ति सर्वश्रेष्ठ प्रतिपाद्य वस्तु भक्त एवं भगवान एवं भक्ति ये तत्व सबु सूक्ष्म रूप से पूर्ण रूप से अनुभव हब। अन्यथा आम यदि यही प्रणाली को आम अवलंबन न करिबा ना भगवत गीतार वास्तविक केवेले पाठक हो पारिबा नहीं बा श्रोता मध्य हो पारिबा नहीं ना भगवत गीता को आम केवेले बुझी पारिबा। मु यही शब्द शब्दावली सहित मोर यही वाक्यावली सहित मोर वक्तव्य को यही ठारे विराम दूछि। जय ग्रंथराज भगवत गीता की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। रूपानुग गौड़ीय गुरु वर्ग की जय। जनिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे।